आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। शालिनी श्रीवास्तव, सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। सिलसिला बाजारों के में बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी की। तो शुरुआत करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी से, गोल्ड में। तो बता दें, पिछले हफ्ते गोल्ड में गिरावट देखने को मिली थी, थोड़ी कमी आई थी। और आज जुलाई वायदा की बात करें गोल्ड की, तो वो 50,818 पर ट्रेड करता दिख रहा है। वहीं इस पे 195 रुपए की, बता दें रुपए की इसमें तेजी भी देखने को मिली है। तो इन सब पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी जुड़ गई हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पे क्या कुछ उनकी राय है। तो रूपा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पे। जी शुक्रिया। तो रूपा जी, आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ करके गोल्ड में चलना चाहिए, जैसे कि गोल्ड 50,818 पर ट्रेड करता आज दिख रहा है और 195 रुपए की इसमें तेजी भी देखी। तो पिछले हफ्ते तो इस पे कमी थी, गिरावट देखने को मिली थी, तो इस हफ्ते क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज सोने के अंदर उम्मीद की जा रही है कि अब बाजार जो है थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि दरअसल अभी हमने देखा है कि जो गोल्ड के अंदर जो है आगे तेजी की उम्मीदें दिखाई देने लगी हैं एक बार फिर से, क्योंकि सोने की कीमतों में जो तेजी है, दरअसल कल रविवार के दिन 7 अमीर देशों के समूह यानी G7 देशों ने सोने के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। G7 शिखर सम्मेलन शुरू होने के साथ ही यह ऐलान किया गया था कि इससे की जो है सोने का अब इंपोर्ट रूस से नहीं किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने भी कहा था कि G7 देशों का समूह रूस पर प्रतिबंधों में सख्ती और यूक्रेन में उसकी युद्ध की कोशिशों को थामने के उद्देश्य से वहां के सोने के आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऐसी खबरें पहले से ही निकल कर आ रही थी, और अब जैसे ही कल G7 देशों की मीटिंग शुरू हुई तो वहां पर यह ऐलान कर दिया गया है कि सोने के आयात पर फिलहाल रूस से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि रूस जो है काफी बड़ा एक्सपोर्टर है सोने का, और सोने का अरबों डॉलर जो है वो निर्यात किया जाता है रूस की तरफ से। लगभग 19 अरब डॉलर का निर्यात 2020 में सोने का रूस की तरफ से किया गया था। तो अभी के लिए फिलहाल जिस तरीके की ये खबर निकल कर आई है, उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि एक बार सोना यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, और 1840 डॉलर के बाद 1860 डॉलर से 1880 डॉलर तक की तेजी फिलहाल सोने में बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एज यूजुअल डोमेस्टिक मार्केट 50,000 से लेकर 51,000-52,000 के बीच में फिलहाल ट्रेडिंग करता दिखाई दे सकता है, और इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी और वीक ऑन वीकली बेसिस पर भी अगर देखा जाए तो अब सोने पर यहां पर बाइंग की रणनीति ली जा सकती है। हमें एक्सपेक्टेड है कि सोना आगे चलकर 51,200 से 51,800 तक मतलब वीकली बेसिस पर अपसाइड में रह सकता है, और डाउनसाइड में 50,000 का स्टॉप लॉस लेकर सोने में खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो चांदी में भी तेजी का ही रुझान एक्सपेक्टेड है। थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन में अगर आता है तो वहां पर चांदी में भी खरीदारी की जा सकती है। 59,400 के स्टॉप लॉस के साथ चांदी में भी करंट लेवल पर बाइंग पोजिशनें बनाई जा सकती हैं, और ऊपर में हमें लग रहा है कि चांदी आने वाले दिनों में 61,000 से लेकर 62,000 के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल सोने और चांदी में वीकली बेसिस पर भी और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर बाइंग करके चला जा सकता है। आने वाले दिनों में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि रूपा जी ने बताया कि गोल्ड में मजबूती है आपको बनी मिल सकती है, आगे गोल्ड पे ट्रेड करके भी चला जा सकता है और आगे इसकी मार्केट में तेजी भी आ सकती है, तो गोल्ड सिल्वर दोनों में आप ट्रेड करके चल सकते हैं। तो रूपा जी, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल बता दें कि 8,440 पर ये ट्रेड करता दिख रहा है और इसमें 55 रुपए की तेजी भी देखने को मिली है। तो आपके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, क्रूड ऑयल में भी मार्केट जो है वो सस्टेन कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें भी तेजी बनी रह सकती है और इसके अंदर भी खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। जो करेक्शन आनी थी आ चुकी, और अब यहाँ पर
जो है तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है और सपोर्ट मार्केट ले सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि क्रूड जो है $100 का के आसपास का सपोर्ट बनाकर ऊपर में $110 $112 की रेंज में रह सकता है और आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 8460 तक की तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। शॉर्ट टर्म रैली में रहे, छोटी छोटी बाइंग जो है इसमें की जा सकती है और प्रॉफिट लेकर निकलते रहे क्योंकि आगे चलकर कभी भी करेक्शन जो है वो फिर से घेराती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और अभी जो डिमांड जिस तरीके से कम होने की खबरें निकल कर आई थी उसके बाद से लगातार हमने दबाव आते हुए देखा, लेकिन एक बार फिर से यहां से मार्केट संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जिसके चलते एक्सपेक्टेड है कि क्रूड $112 तक फिलहाल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही रूपा जी अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस लगभग नहीं तो 500 पे ट्रेड करता है ये दिख रहा है, तो इसमें ये लाल निशान पे ट्रेड करता दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि नेचुरल गैस का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए अभी जो है एनर्जी सेक्टर भी थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा जैसा कि माना जा रहा है कि अभी जो ये G7 जो सम्मेलन चल रहा है इसके अंदर भी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एनर्जी सप्लाई को भी किस तरह सुरक्षित किया जाए इसके ऊपर भी विचार विमर्श अभी होना बाकी है और उसके चलते अभी जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं करेक्शन में अभी देखने को मिल रहे हैं और इसमें एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रह सकता है और जिस तरीके की करेक्शन आई है इसके मद्देनजर अभी लग रहा है कि प्रेशर में रह सकता है मार्केट और अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इसके अंदर जो दबाव है वो कॉन्टिन्यूशन में बना रह सकता है और नीचे में 480 से लेकर 460 तक की रेंज फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी तो ये थी बात नेचुरल गैस की। अगर हम बेस मेटल पे नजर डालें रूपा मेहता जी, तो बेस मेटल में कॉपर की बात करें तो कॉपर 700 पे ट्रेड करता दिख रहा है और इसमें लगभग 5 रुपए की इसमें तेजी भी आई है, तो आपको क्या लगता है कि कॉपर का बाजार कैसा रहेगा? देखिए जहाँ तक बेस मेटल की बात है, बेस मेटल में ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार मार्केट जो है वो प्रेशर में है। कॉपर में एक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है, जिंक भी लुढ़क चुका है 300 के नीचे, हल्की फुल्की बाइंग दिख सकती है लेकिन अभी थोड़ा पॉजिटिव नहीं है मार्केट, थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है तो नीचे में 680 तक कॉपर लुढ़क सकता है तो वहां पर 290 से लेकर 280 की रेंज जिंक में भी देखने को मिल सकती है। वहीं एल्यूमिनियम भी 200 तक नीचे लुढ़क सकता है तो फिलहाल के लिए बेस मेटल थोड़ा करेक्शन में जाते हुए शॉर्ट है, बाजार निचले स्तरों पर एक बार फिर से सस्टेन कर सकता है लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि करेक्शन इसके अंदर बना रह सकता है तो सेलिंग की स्ट्रेटेजी ऊपरी स्तरों पर करके चला जा सकता है। जी तो जैसा रूपा जी ने बताया कि हल्की फुल्की बाइंग करके चल सकते हैं, वैसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बेस मेटल का मार्केट, तो ओवरऑल अगर बात करें नॉन एग्री कमोडिटी की तो इंट्राडे में क्या करके चलना चाहिए रूपा जी आपके अकॉर्डिंग? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इसके अंदर फिलहाल सोने और चांदी के अंदर खरीदारी में जाया जा सकता है और वहीं हल्की फुल्की खरीदारी आज क्रूड में भी करके चला जा सकता है। रूपा जी यहाँ पे हम छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एग्री कमोडिटी की, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।